हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिमेटी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक पैंथर 2 से रिलेटेड काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो आपको एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं, जो अपडेट आया है वो कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, एक रूमर है। तो मैंने सोचा कि अपडेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो और बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले ब्लैक पैंथर 2 में किलमोंगर तो रिटर्न हो रहा है, जी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर इस मूवी का जो मेन विलन होगा वो होगा नेमोर। नेमोर का सबसे पहले हमें रेफरेंस देखने को मिला था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आयरन मैन मूवी में, जिसमें कि बकांडा दिखाया गया था और ओशन भी दिखाया गया था, और जिसमें दोनों रेफरेंस दे रखे थे ब्लैक पैंथर और नेमोर के। और इन फ्यूचर हमें देखने को मिला ब्लैक पैंथर की ऑरिजिन स्टोरी और एक कैमियो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। देन उसी के साथ इन फ्यूचर ब्लैक पैंथर 2 में नेमोर हमें एज अ विलेन के तौर पर दिखाया जाएगा, जो कि वकांडा के बिल्कुल जस्ट बगल में एक ओशन है जिनमें कि आमने सामने लड़ाई होगी। अगर ये रूमर सच निकलता तो काफ़ी गाइस ज़्यादा मज़ा आने वाला है मार्वल फेस 4 में, क्योंकि और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड और ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर होने वाला है, भले एंड में ये हीरो बन जाए। तो आपका क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके साथ डीसी यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी न्यू गॉड्स एवा ने कंफर्म कर दिया, जो कि इसकी डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि डार्क साइड को हम इसमें दिखाना चाहते हैं। अब देखते हैं इन फ्यूचर डार्क डायरेक्टर हमें देखने को मिलता है या नहीं। उसके साथ शिप रिटर्न हो रही है थॉर 4 में, जो कि वेलकरी की क्यून मेंबर बनने वाली है, यानी कि जिस शिप से वेलकरी में कन्वर्ट हो जाएंगी थॉर 4 में। उसी के साथ एक और अपडेट है काफी कमाल का, तो गे और लेस्बियन कैरेक्टर तो मार्वल में लाए जा रहे थे, पर ट्रांसजेंडर भी कैरेक्टर इंक्लूडिंग करे जाएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इन फ्यूचर। तो देखते हैं वो कौन सी मूवी होगी। अपकमिंग ब्लैक विडो मूवी में हमें मल्टीपल ब्लैक विडो देखने को मिलेंगी। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, चार पांच ब्लैक विडो देखने को मिलेंगी, जिसमें कि एक ब्लैक विडो काफ़ी ज़्यादा चालाक होगी, रिचल नाम की, जो कि इस फ्यूचर विलेन बन जाएगी। तो जी हाँ, रिचल भी ब्लैक विडो का रोल प्ले कर रही हैं और एज अ विलेन के तौर पर भी। देन उसी के साथ एक कॉमेडी मूवी ऑस्टिन पावर, आपने इसके पार्ट देखे होंगे, इसका 14th पार्ट आ रहा है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल की मूवी है, और देन ये मेरी फेवरेट भी है 90s की। देन उसी के साथ अपकमिंग एक्वामैन 2 के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने कंफर्म कर दिया है एक हॉरर मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, पर उन्होंने कहा कि पहले मैं एक्वामैन 2 पे काम करना चाहूँगा। एंजेला जोली, जो कि इंटरनल मूवी में एज अ कास्ट करी गई हैं थेना के रोल में, वो अब ट्रेनिंग कर रही हैं काफ़ी सख्त और हार्ड वर्किंग, जी हाँ, सिर्फ थेना के लिए, जैसा कि हमारी वंडर वूमेन गैल गैडोट ने प्रैक्टिस करी थी, जैसे कि कैप्टन मार्वल यानी ग्रीन लैंटर ने प्रैक्टिस करी थी, ऐसी ही एंजेला जोली भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हैं। उसी के साथ वेनम 2 के डायरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं एंडी, जो कि टॉम हार्डी ने कंफर्म करा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। अब एक और अपडेट काफ़ी चौंकाने वाला, स्कारलेट विच बचा लेती हैं सारे एवेंजर्स को थैनोस से और उनकी पूरी आर्मी से, पर ऐसा सीन बीच में डिलीट कर दिया गया और मार्वल ने डिसाइड करा कि हम ऐसा सीन को नहीं दिखाएंगे, ओनली 3 ओरिजिनल कैरेक्टर ही थैनोस से लड़ते नजर आएंगे। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पे थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। और गाइस, आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस पर जाके क्लिक करिए, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जा रहा हूँ।